हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम बात कर रहे थे पी एस टेट 2018 से सिलेक्शन पैनल से ओपन होने के बारे में। जी हाँ, जैसे आप सभी जानते हैं कि पी एस टेट 2018 जो 2019 में कंडक्ट किया जा रहा है एस सी सी आर टी की ओर से, आप भी अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई के शेड्यूल की वीडियो ऊपर आई बटन में शो हो रही है उसे देख सकते हैं, जो कि हमने हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है। तो आज हम जानते हैं पी एस टेट सिलेक्शन पैनल के बारे में। जैसे पी एस टेट के शेड्यूल में बताया गया था कि आप सिलेक्शन का जो अप्लाई डेट होगी वो 26/11 से स्टार्ट होगी। जी हाँ, अब आप अगर आपने पी एस टेट के लिए 2018 के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन आप तो अप्लाई करने के दौरान उसमें तो मिस्टेक हो रही है जिसे आप करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे मीन्स आज से 26/11, 27/11 और 28/11 से कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन के लिए सिलेक्शन पैनल ओपन होगा, जो है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। जी हाँ, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो सिलेक्शन पैनल ओपन हुआ है वो सिर्फ 3 दिन के लिए रहेगा, जी 26/27/28। इसलिए आप तो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म में जो भी सिलेक्शन करनी है वो करनी होगी। इसमें आप क्या क्या सिलेक्शन कर सकते हैं और उसकी क्या फीस है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स और टेक्निकल वीडियोस लेकर आते ही रहते हैं। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन इन नेम और स्पेलिंग में, जी हाँ, अगर आप तो उस नेम पे स्पेलिंग में और नेम में तो सिलेक्शन करनी है तो आप अब इन 3 दिनों के दौरान इसमें तर सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है परसेंटेज, जिस दौरान जैसे आप जानते हैं हमें बीए, बीएड और प्लस टू वगैरह की डिग्री की परसेंटेज इसमें अपलोड करते हैं, लेकिन हम उस समय दौरान तो सिर्फ जल्दीबाजी में तभी गलत परसेंटेज भर जाते हैं और फाइल तो अप्लाई भी कर देते हैं, मीन्स सबमिट कर देते हैं। तो आप इस सिलेक्शन के दिनों में इस सिलेक्शन पैनल पर जाकर उसे भी थ्रेट कर सकते हैं। अगर आप तो डॉक्यूमेंट भी गलत अपलोड हो गया है तो आप उसे भी थ्रेट कर सकते हैं। अगर आपने इस अप्लाई पी एस टेट 2018 से अप्लाइड में डेट ऑफ बर्थ भी गलत फिल कर दी है तो आप उसे भी इन सिलेक्शन पैनल में जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो आप तो अगर किसी भी तरह कोई भी मिस्टेक अप्लाइड में सबमिट कर दी है तो आप इस सिर्फ इन 3 दिनों में उन्हें थ्रेट कर सकते हैं इस सिलेक्शन पैनल के द्वारा, जो आप तो पी एस टेट डॉट इन की साइट पर उसी रजिस्टर आईडी से और उसी लॉगिन नंबर से खोलकर आप वहां पर रीच कर सकते हैं। और आप तो ये सिर्फ 3 दिन हैं, 26, 27 और 28, इसके बाद आप इसे थ्रेट नहीं कर पाएंगे। और रही बात एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट की, आप पहले से ही जानते ही हैं, उसके लिए आप हमारे ऊपर आई बटन में शोरी वीडियो तो देख सकते हैं। इसी तरह से मोर अपडेट के लिए हम आप तो पी एस टेट के बताते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे ही एडमिट कार्ड लॉन्च होंगे तो हम आप तो इस वीडियो में नोटिफाई कर देंगे। धन्यवाद।